ओके, अब जो है वो हम लोग क्या करते हैं, इसी अप्रोच को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि इस मसले को, पहला मसला ये था कि हमारे पास जो है वो जब फर्स्ट अटेम्प्ट की थी तो हम लोग जब रेयर इंडेक्स जो है वो हमारे पास साइज -1 के इक्वल हुआ था, इनफैक्ट साइज के इक्वल हुआ था, तो हम लोगों ने कहा था क्यू जो है वो फुल हो गया, उसके अंदर और एलिमेंट्स इंसर्ट नहीं करवा सकते। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में हम लोगों ने वो मसला सॉल्व कर लिया, हम लोगों ने कहा कि रेयर को जो है वो जब वो साइज -1 होता है तो फिर जब उसे प्लस प्लस करेंगे तो फिर उसे साइज नहीं करेंगे, उसे जीरो कर देंगे। तो उसकी इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने काइंड ऑफ ये जो हमारे पास सर्कुलर एरे है इस तरह की, हम लोगों ने उसकी लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कर ली। फिजिकली हमारे पास कोई सर्कुलर एरे नहीं होती, बस हमारी लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास मसला ये हुआ कि जब हमारे पास क्यू फुल है और जो क्यू एम्प्टी है उन तीनों के दरमियान हमारे पास जो है वो कोई जो है वो हमारे पास फर्क नहीं है। तो अब हम लोग एक और जो है वो कोशिश करते हैं इस मसले को रिजॉल्व करने की। हम लोगों ने ये कहा है कि हमारे पास एरे जो है वो क्यू के अंदर हमारे पास 5 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो अगर हम लोग इस तरह करें कि एरे के अंदर 5 एलिमेंट्स जब क्यू के अंदर स्टोर कराने हैं, तो एरे हम लोग एक साइज की बड़ी एरे ले लें, मतलब अगर 5 एलिमेंट्स स्टोर कराने हैं तो हम लोग 6 साइज की एरे ले लें। अब इसके अंदर 6 साइज की एरे है, ठीक है। इसका अगर हम लोग लॉजिकल व्यू देखें जो हम लोगों ने सर्कुलर इंटरप्रिटेशन की थी, तो हमारे पास ये हमारे पास इंटरप्रिटेशन थी 0, 1, 2, 3, 4, एक ज्यादा हो गया इसके अंदर। अच्छा, हम लोगों ने इसकी जो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन की थी वो ये थी कि हमारे पास बस ये सर्कुलर क्यू का बस ये है कि 5 के बाद हम लोगों ने 6 में नहीं जाना, 5 के बाद हम लोगों ने 0 पे आ जाना है। तो अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जब शुरू करते हैं, जब इनिशियलाइज करते हैं क्यू को, तो रेयर और फ्रंट को हम लोग एक ही वैल्यू से शुरू करते हैं, चाहे 0 से शुरू करा लें, चाहे आप साइज -1 से शुरू करा लें, डजेंट मैटर। आपकी बुक के अंदर साइज -1 से इनिशियलाइज किया हुआ है, लेकिन इट डज नॉट रियली मैटर। अच्छा, अब हम लोग करेंगे क्या, पहले हम लोग ये कर रहे थे कि क्यू के अंदर पहले वैल्यू स्टोर कराते थे, फिर रेयर इंडेक्स को जो है वो प्लस प्लस करते थे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ी सी अप्रोच को जो है वो हम लोग चेंज कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि एक जो स्पेस है ना वो हम लोग ज़ाया कर लेते हैं। अब हमें पता है कि क्यू के अंदर 5 एलिमेंट स्टोर कराने थे, एरे हम लोगों ने 6 साइज की ले ली, तो एक स्पेस हम लोग ज़ाया कर देते हैं। वो इस तरह ज़ाया कर देते हैं कि जब रेयर और फ्रंट हमारे पास दोनों सेम हो तो फिर हम लोग ये कहेंगे कि हमारे पास क्यू जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि क्यू एम्प्टी जो है उसकी कंडीशन ये होगी कि रेयर और फ्रंट जो है वो हमारे पास सेम होंगे। अच्छा, क्यू फुल के लिए हम लोग ये करेंगे कि वैल्यूज हम लोग इंसर्ट करते जाएंगे, और जब हमारे पास रेयर +1 फ्रंट के इक्वल होगा तो हम लोग कह देंगे ये क्यू फुल है। इस तरीके से हमारे पास एक स्पेस तो ज़ाया होगी, लेकिन वी वुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कंडीशंस ऑफ क्यू एम्प्टी एंड क्यू फुल, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या कर रहे थे कि रेयर में वैल्यू स्टोर कराते थे फिर रेयर को प्लस प्लस करते थे। अब हम लोग अपनी अप्रोच थोड़ी सी चेंज करते हैं। हम लोगों ने जब कहा कि क्यू के अंदर पहली वैल्यू हम लोग पुश करवा रहे हैं, लेट से हम लोग कह रहे हैं कि जी क्यू डॉट पुश ए, तो अब हम लोगों ने क्या किया कि पहले रेयर को प्लस प्लस किया, ठीक है, पहले रेयर को प्लस प्लस किया और फिर हम लोगों ने वहां पे वो वैल्यू स्टोर करा दी, ठीक है। थोड़ा सा फर्क है एज कम्पेयर टू द सेकेंड अटेम्प्ट। हम लोगों ने पहले रेयर को प्लस प्लस किया फिर वो वैल्यू स्टोर करा दी। फिर हम लोगों ने जो है बी जब पुश किया तो हमारे पास क्या हुआ कि फिर रेयर को प्लस प्लस किया हम लोगों ने और वहां पे वो वैल्यू जो है वो पुश करवा दी, ठीक है। फिर जब हम लोगों ने सी पुश किया तो हम लोगों ने जो है वो रेयर को प्लस प्लस किया और हम लोगों ने वहां पे जो है वो वैल्यू जो है वो पुश करवा दी, ठीक है। अब फर्ज करें अगर हम लोग क्यू डॉट पॉप करते हैं तो हमारे पास ए जो है वो रिमूव हो जाना चाहिए। तो ए को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट वो पहले की तरह जैसे हम लोगों ने फ्रंट प्लस प्लस किया था, तो अभी भी इसी तरह हम लोग वही बिल्कुल अप्रोच फॉलो करते हैं कि हम लोग जो है वो फ्रंट प्लस प्लस कर देते हैं, और फ्रंट प्लस प्लस करने से हमारे पास लॉजिकली जो है वो ए जो है वो गायब हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको फ़र्क जो है वो सेकेंड अटेम्प्ट से जो फ़र्क था वो थोड़ा सा आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास माइनर सी चेंज हम लोगों ने की है। पॉप के अंदर तो बस फ्रंट प्लस प्लस ही कर रहे हैं, लेकिन पुश के अंदर हम लोग ये कर रहे हैं कि
कि पहले हम लोग जो है वो रियल को प्लस प्लस करते हैं, फिर उसके बाद वैल्यू जो है वो स्टोर करवाते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन गैस के जब हम लोग अब कुछ और वैल्यूज जो है वो पुश करवाते हैं, लेट्स से डी हम लोगों ने पुश करवाया, तो डी जब पुश करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि रेयर को प्लस प्लस करेंगे पहले, फिर वहाँ पर डी को स्टोर करा देंगे। फिर इसी तरह जब हम लोग ई को पुश करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो क्या होगा कि रेयर को जो है वो प्लस प्लस करेंगे, वहाँ पे जो है वो हम लोग ई को स्टोर करा देंगे। अब फिर हम लोग जब क्यू डॉट पुश करते हैं एफ, ठीक है, तो फिर अगेन वही हम लोग काम करेंगे कि रेयर को प्लस प्लस किया। यहाँ पर प्लस प्लस करने से मतलब ये है कि हम लोग जो है जब 5 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास वो 6 नहीं होगा, वो हम लोग 0 पे ले जाएंगे, उसको कंडीशन लगा के लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने f जो है वो स्टोर करवा दिया, तो ये वैल्यूज अब स्टोर हो गई। अब देखें, हम लोगों ने कहा था कि q के अंदर हम लोग मैक्सिमम जो है वो अगर q का साइज 6 है तो उसके अंदर मैक्सिमम 5 वैल्यू स्टोर कराएंगे। तो अभी हम लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज जो है वो इसके अंदर स्टोर करवा दी, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं हमारे पास q फुल हो गई है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं क्यू एम टी की हमारे पास क्या कंडीशन थी। जब हमारे पास क्यू एम टी थी तो हम लोगों ने कहा था रेयर जो है वो फुल के इक्वल है, और जब हमारे पास जो है रेयर जो है वो फ्रंट के इक्वल है। अब जब हमारे पास क्यू फुल की अब हम लोग कंडीशन लिख रहे हैं, तो क्यू फुल की कंडीशन में अब क्या होगा, कौन बताएगा? सर, आर इज इक्वल टू एफ माइनस वन। R इज इक्वल टू एफ माइनस वन, ठीक है, ये हम लोगों के पास हो जाएगा R इज इक्वल टू एफ माइनस वन, ठीक है। या हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि R प्लस वन इज इक्वल टू एफ, दोनों चीज़ें जो आपकी ठीक होंगी। तो ये हमारे पास जो है वो फुल की कंडीशन होगी। नाउ यू सी के एम टी के लिए हमारे पास रेयर और फ्रंट एक ही इंडेक्स में को पॉइंट कर रहे होते हैं, और फुल के अंदर जो है वो हमारे पास जब क्यू फुल होती है तो रेयर प्लस वन जो है वो हमारे पास फ्रंट के इक्वल होता है, या रेयर जो होता है वो हमारे पास फ्रंट माइनस वन के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई कि अब हम लोगों ने दोनों कंडीशंस में कैसे फ़र्क कर लिया है। तो एक स्पेस तो हमारी ज़ाया हो गई, लेकिन अब हमारे पास फ़र्क पता लग गया, हमारे पास जो है वो क्यू जो है वो हमारे पास फुल है या एम्प्टी है, उनकी दोनों की डिफरेंट हमारे पास कंडीशंस हो गई। यहाँ पे किसी को कोई कन्फ्यूजन हो?